हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में विटामिन और फाइबर से भरपूर एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है खजूर के लड्डू। जो लोग मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं और फटाफट बनते हैं। आइए चलकर देखते हैं रीना रसोई में कैसे बनते हैं खजूर के लड्डू। खजूर के लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स, हमने 200 ग्राम या 100 ग्राम आपको जितना भी लेना हो, हमने खजूर लिया है। इसके हमने बीज रिमूव कर दिए हैं और हमने थोड़ा सा बादाम लिया है, इसको महीन महीन काट लिया है। थोड़ा सा काजू लिया है, पिस्ता लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हम घी का प्रयोग करेंगे। इसमें ना हम शक्कर का प्रयोग करेंगे, ना हम इसमें गुड़ का प्रयोग करेंगे। फिर भी ये लड्डू बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। अब सबसे पहले हम खजूर को मिक्सी में पीस कर तैयार करते हैं। हम इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। खजूर हमारा पीस कर तैयार हो गया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी के मेल्ट हो जाते ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। आंच को मध्यम रखिए, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। अब इसमें हम पहले बादाम डालेंगे। आप अपने मन से कोई भी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम बादाम, पिस्ता और किशमिश डालेंगे। हमको इनको 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। आंच को तेज नहीं करना है, नहीं तो लड्डू का जायका खराब जाएगा। हल्की आंच पर इसको हमको इस तरह से भूनते रहना। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। बहुत ज्यादा घी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें हम अपना पिसा हुआ खजूर डालेंगे। इसको लो फ्लेम पर इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आंच को मध्यम रखिए। हमारा ड्राई फ्रूट्स और खजूर आपस में अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का सा ठंडा हो जाने पर हम इसके लड्डू बांधेंगे। हमको इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। हमने ऊपर से लपेटने के लिए नारियल का बुरादा लिया है। आप खसखस को भी भूनकर उसमें भी लपेट सकते हैं और थोड़ा सा खसखस आप अंदर डाल भी सकते हैं। अब इसके हम अपने मन के आकार के छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। जिनको शक्कर मना है, वो भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं।
सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब लड्डू को हम उठा उठा कर हल्का हल्का सा लपेटेंगे। ये ऑप्शनल है, आप नारियल के बुरादे में लपेट भी सकते हैं और नहीं भी लपेट सकते हैं। लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। यदि हमेशा की तरह आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको आप प्लीज जरूर करिए। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं।